यार जी तेन कभी साढ़े खून की लोड़ पवे तो आवाज लू मारी मैं जानते कि भी यार तेन मिल पा देंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेखो पंजाब चैनल ते जीआं नूं जिंदे वास्ते रहो सोणियो। मैं सज्जाद जट एक नवी जानकारी दे नाल तुहाडी सेवा विच। अज जी असी अदाकार शाहिद हमीद साहब दे बारे पूरी कहानी उहनां दी पूरी बायोग्राफी ते फिल्मोग्राफी तुहाडे नाल सांझी करन जा रहे हां। अमीर दे साडे नाल जुड़े रहोगे। लो फिर चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, वीडियो नूं लाइक करो, कमेंट बॉक्स विच इह दस्सो कि तुसीं इह साडी वीडियो किस शहर ते किस पिंड विच बह के वेंदे हो। कल से आप बाकायदगी से दफ्तर आएंगे और उस कुर्सी पर बैठेंगे जो अंकल के बाद खाली पड़ी। ये आपका हुक्म है। अदाकार शाहिद साहब जी 1950 नूं दाता दी नगरी लाहौर विच जम्मे सन। वैसे इन्हां दा एक नवाबी खानदान सी जिहड़ा कि उकाड़े तों बिलोंग करदा सी ते इह फिर खानदान लाहौर आ गया। इत्थे आ के बड़ी अदाकार शाहिद ने तलीम लई, बहुत पढ़िया लिखिया बच्चा ते नवाबी बच्चा, हाँ जी सोहना माशाला गभरू जना। तो इन्हों निक्के होंद इन की माँ जी है ना वो दुनिया तो टुर गई, फोत हो गई तो जितों अगे चल के इन्हों वी उम्र दिड़िया जनानिया ने उन्होंने बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रही। ता ही तो फिर ये समझो कि पंजाब जमन डे ने तो पंजाब ही जनाबे अरूज के वेले की पंजाब की खूबसूरत तरीन अदाकारा हिरवन अदाकारा जमुरद नाल इन्होंने विआह किया अपनी मां की उम्र की औरत नाल। हाँ जी, तो इस तरह ही फिर अदाकारा सीमा बेगम, तुहानू पता मां दे रोल ते भरजाई दे रोल बड़े सुल्तान रही थे उन्होंने किए, उन्हां नाल भी इन्हां जनाबे लई इश्क पेचे इन्हां दे रहे, यानी कि वड्डी उम्र की औरतों की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा रही। जिवें अदाकारा फिरदौस नाल भी इन्हां इश्क लड़ांदे रहे, फिर अदाकारा ते डांसर इशरत चौधरी नाल इन्हां ने विआह किया, फिर बाबरा शरीफ नाल इन्हां ने विआह किया, होर भी बड़े इन्हां ने विआह खड़काए ते इश्क पेचे खड़काए। पर इन्हां दे घर वाले ने जिहड़ा इन्हां दा विआह कीता सी ओह इन्हां दा पहला विआह सी जिहड़े कि उदों 19-20 साल इन्हां दी उम्र सी। इन्हां दी बीवी दा नाम मुनज़्ज़ा, जिहड़ियां अज वी उन्हां दे नाल ने, बाकी जिहड़ी अदाकारा सी ओह जनाबे वाली चंद दे रहीआं ते अपना गांव पछां। हां जी, ओह इक कहिंदे हुंदे ने ओह भंवरा उर्दू विच कि ओह जिहड़े फलां तों रस नहीं चूसदा, हां जी इस तरह करके ओह चार दिन मौज मस्ती खेडे मल्ले ते ओह अपना अपने अपने थां टिकाने तुर गई। बीवी उन्हां दी अज भी जिहड़ी वालदैन ने उन्हां दी शादी की सी अज भी बरकरार है, जिन्हां विचों इन्हां दे तीन पुत्र भी ने। एक पुत्र तुहानूं पता बहुत वड्डा नाम है सहाफत विच, कामरान शाहिद साहब, ते पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री विच अगर सब तो बहुते माशके अगर किसी दे मशहूर है तो चले तो अदाकार शाहिद साहब दे ने। लो फिर व्याहां दी गल तां थोड़ी बहुत ही कर लई, अगे चल के तफसीली गल्लां बातां तुहाडे नाल करने आ। सोणियो, अदाकार अब्बास नोशा ने बतौर फिल्मसाज अपनी अकलौती जिहड़ी फिल्म है ना पहली शुरू की, इक्को ही फिल्म बनाई, उहदे विच इह सन 71 दी गल है कि जिहदे विच अदाकार शाहिद साहब नूं पहली दफा उन्होंने हीरो कास्ट किया। ये फिल्म एक रात अजे बन रही सी कि इहदे दौरान ही इन्ना प्यारा ते खूबसूरत अदाकार ते खूबसूरत जना सी कि जिहड़ा जिहड़ा फिल्म साज डायरैक्टर इन्हां नूं वेखदा सी ना ते धड़ाधड़ उन्होंने अपनियां फिल्मां विच इन्हां नूं लैणा शुरू कर दिता। तां ही ते इन्हां ने पहले साल इन्हां दीआं बतौर हीरो 4 फिल्मां रिलीज़ होईआं जिहड़ा कि अज तक रिकॉर्ड है, किसी ने रिकॉर्ड तोड़िया नहीं। हाँ, अदाकार बाबर अली ने यह रिकॉर्ड जिहड़ा ना बराबर कीता, तोड़िया ये रिकॉर्ड, भन्निया नहीं अज तक किसी ने अदाकार शाहिद दा। ते रिलीज़ के एतबार नाल अदाकार शाह की पहली फिल्म 1971 की आंसू है, जिहड़ी अदाकारा मुमताज़ की भी पहली फिल्म सी। ते इस फिल्म विच टाइटल रोल किया फिरदौस बेगम ने, जिन्होंने यंग टू ओल्ड करैक्टर करके दुहाइयां पा दित्तियां। जबकि इस फिल्म विच रवायती हीरो हीरोइन की जोड़ी दीबा ते नदीम दी सी, पर इहदे विच अदाकार शाहिद ने एक नैगेटिव रोल किया ते बड़ा पावरफुल रोल सी इन्हां दा। इस साल 71 विच अदाकार शाहिद की दूसरी ते पहली पंजाबी फिल्म सोना पुत्र रिलीज हुई, जिदे विच हिरवन दा रोल किया आलिया बेगम ने ते हीरो सन इकबाल हसन। ते तीजी फिल्म इन्हां दी ओह वी पंजाबी फिल्म वारिस 71 दी, जिदे विच शाहिद ने नदीन दे मुकाबले विच साइड हीरो दा रोल निभाया। इस साल ही इन्हां दी एज ए सोलो हीरो पहली फिल्म तहजीब लगी, जिदे विच इन्हां दी हीरोइन बनी रानी साहिबा। ते इस फिल्म दे हदायतकार हसन तारिक साहब, जिहड़े कि अगे चल के जदों फिल्म सुपर डुपर हिट होई ना, ते हदायतकार हसन तारिक समझो कि
दीवाने हो गए सन शाहिद दे कि अपनी हर फिल्म विच उन्होंने शाहिद नू लाजमन कास्ट करना हुंदा सी ते रानी नू भी, क्योंकि रानी दी बाद च इन्हां नाल व्याह हो गया, शादी हो गई सी, लिहाजा ये उन्हां दी फिल्मां दी पक्की जोड़ी रही। इसे तहजीब फिल्म तो बाद फिर इन्होंने इन्ना काम किया कि हसन तारिक ने अपनी कोई डेढ़ दर्जन फिल्मों के शाहिद नू बतौर हीरो जिहड़ा काम दिता। तो रानी ते शाहिद की इन्नी जोड़ी खूबसूरत रही, सब तो बहुत ही फिल्मां इन्हां दीआं ने कट्ठियां, कोई घट्टो घट्ट दो दर्जन के करीब इन्होंने फिल्मां कीतीआं। तो अगला साल 1972 का आया तो अदाकार शाहिद दीआं 9 फिल्मां रिलीज़ होईआं ते छाए रहे शाहिद साहब। ये वो जमाना सी कि जदों उर्दू फिल्मों में मुहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब तो नदीम साहब का अरूज का जमाना तूती बोलता सी उन्हां दा, ते पंजाबी फिल्मों में सुधीर साहब, अनायत सैन पट्टी साहब, एजाज साहब, कैफी साहब, फिर हबीब साहब तो यूसुफ खान साहब का तूती बोलता सी। शाहिद अपने दूजे ही साल में दूजे ही साल इन्ने ज़्यादा लोग इन्हें पसंद करते कि दूजे ही साल में उर्दू फिल्मों के चौथे मसरूफ तरीन हीरो बन गए सन। ते नाल नाल ये वाहद ऐसा हीरो सी कि जेड़ा के मुहम्मद अली, नदीम, वहीद मुराद तो बाद उन्होंने हाला पंजाबी फिल्मों च इन्ना काम नहीं सी मिलता, वो पंजाबी फिल्मों वाले है ही नहीं सी, लेकिन शाहिद ऐसा हीरो है कि नाल नाल पंजाबी फिल्मों में उन्हें बहुत काम किया। इसे साल 72 विच यूसुफ अपना शाहिद की बेहतरीन फिल्म एक रिलीज़ हुई अमराव जाने अदा, जिदे विच इन्होंने हीरो का करैक्टर किया, हीरोइन बनी इन्हों की अदाकारा रानी बेगम। बहुत प्यारी एक कोठे की फिल्म है जी, एक सबक अमोज कहानी। अदाकार शाहिद ने ये एक विगड़े रईजादे नवाबजादे का बहुत प्यारा रोल निभाया यार। तो सोनियो शाहिद की जी पहली फिल्म मिली सी इन्होंने एक रात, वो वैसे तो 71 जी स्टार्ट हुई बननी, लेकिन वो आके 72 रिलीज़ हुई। रिलीज़ के अतबार से है अदाकारी के हवाले ना पहली फिल्म, लेकिन रिलीज़ के अतबार अगर वेख्या जाए तो वह 11वीं फिल्म सी इन्होंने। ये फिल्म में वैसे तो दीबा, संगीता ते शाहिद सन हाँ जी मेन करैक्टर, पर यह फिल्म सारी जी ना ये सबीहा खानम ते संतोष कुमार ते असलम परवेज के उत्ते सारी जी घूमती फिल्म। ये एक गज़ल मेहदी हसन साहब ने गाई जी अज भी बहुत ज़्यादा सुनी जाती है कि एक बार चले आओ फिर आके चले जाना, ये शाहिद साहब उत्ते फिल्म आई गई सी। एक बार चले आओ, सूरत तो दिखा जाओ। फिर अगली फिल्म 72 दी जी इल्जाम, जिदे विच शाहिद ने संगीता दे नाल काम किया, मुहम्मद अली भी इहदे विच, ते मुहम्मद अली ते शाहिद दीआं जी कोई 20 फिल्मां ने इकट्ठियां जिदे विच इन्हां ने काम किया। फिर अगली फिल्म मैं भी तो इंसान हूँ, जिदे विच अदाकार शाहिद ने पहली वारी आसिया दे मुकाबले काम किया। फिर 72 दी हुई बेहतरीन फिल्म ठा, जिदे विच अदाकार शाहिद ने जी लाला सुधीर दे नाल सानवी किरदार किया जी। फिर फिल्म गैरत दे कानून ते सिर धड़ दी बाजी, इहदे विच शाहिद साहब ने अपना मावन हीरो का किरदार निभाए। फिर 1973 दा साल आ गया ते शाहिद साहब ने कोई 12 फिल्मों में जिहड़ा ना अहम रोल निभाए, जिथों इन्हां दी मकबूलीयत दा तुसीं खुद अंदाजा ला लवो। ते साल दी सब तो वड्डी फिल्म अनमोल रही, जिहदे विच शाहिद ने नदीम दे नाल हीरो का किरदार निभाया। ये फिल्म जी डायमंड जूबली ने की थी। इस फिल्म तो बाद अगे चल के शाहिद ने शबनम दे नाल कोई एक दर्जन फिल्मां जिहड़ियां कीतीआं। फिर इसे साल ही नदीम साहब की पहली डायमंड जूबली फिल्म नादान लगी, पर फिल्म तेरा गम सलामत रहे इसे साल की फिल्म, जिदे विच शाहिद ने लीड रोल किया ते नदीम ने उन्हां दे नाल मावन अदाकार का रोल निभाया। ते शाहिद दे नदीम दियां जी एक दर्जन तो बहुतियां फिल्मां इन्हां ने इन्हां दियां इकट्ठियां ने। इसे साल शाहिद ते रानी बेगम भी अपने इकट्ठियां एक होर फिल्म आई, एक थी लड़की। मजे की गल है कि इस फिल्म दे तीन हदायतकार सन, लेकिन तीन हदायतकार अपने जमाने के वड्डे हदायतकार होने के बावजूद भी इस फिल्म नूं नाकामी तो ना बचा सके। वो हदायतकार सन हसन तारिक साहब, शरीफ नैयर ते एहतशाम। फिर 1974 दा साल आ गया तो शाहिद दीआं जी कोई डेढ़ दर्जन फिल्मां रिलीज़ होईआं, जिदे विचों कोई भी फिल्म जिहड़ी है ना वह वड्डी कामयाबी जिहड़ी होनी चाहीदी ना वह ना पा सकी। फिल्म शिकार, फिल्म सस्ता खून महंगा पानी, फिल्म दीदार,
इन्हां फिल्मां विच शाहिद ने वहीद मुराद दे नाल काम कीता। वहीद मुराद ते शाह दियां इकट्ठियां जी एक दर्जन फिल्मां ने। ते इह वी तुहानूं दस्सदे जाईए कि वहीद मुराद दे जवाल दी सब तों वड्डी वजह इहो ही बंदा अदाकार शाहिद, क्योंकि दुनिया इस बंदे दी फैन हो गई। ते जिहड़ा वहीद मुराद ना उहनां दा जवाल शुरू हो गया सी। फिर 1975 दा साल आ गया बेलियो, ते अदाकार शाह दियां फिर डेढ़ दर्जन फिल्मां लगियां, जिन्हां विचों सब तों वड्डी फिल्म जिहड़ी उह जीनत रही, जिहदे विच मुनव्वर ज़रीफ साहब ने मज़ाइया साइड हीरो दा रोल निभाया, ते टाइटल रोल जिहड़ा उह अदाकारा शबनम ने निभाया, ते नदीम ते शाहिद इस फिल्म दे 50-50 दे हीरो रहे। ते बेलियो इस फिल्म दी मशहूर ज़माना गज़ल रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, वो अदाकार शाहिद उते फिल्म आई गई सी। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। ते 75 दी फिल्म तेरे मेरे सपने जिदे विच पहली बारी शाहिद नाल कविता आई। फिर इसे साल ही पहली फिल्म शाहिद नाल कीती बाबरा शरीफ ने। फिल्म दा नाम सी मेरा नाम पाटे खां। इसे फिल्म तो बाद जिहड़ी बाबरा ना वो शाह दे उते डुल गई सी, ते इन्हां दा इश्क पेचा शुरू हो गया सी। इस जोड़ी ने इकट्ठिया कोई जी 40 दे करीब फिल्मां कीतियां, कि जिथों इन्हां नूं प्यार हो गया ते इन्हां फिर विआह कर लिया। ये विआह तुहानूं पता बहुत ही देर जिहड़ा नहीं चल सकिया कि इन्हां दी फिर अलैदगी हो गई सी। जिथों फिर जदों अलैदगी होई है, ते अदाकार शाहिद ने अपने जमाने दियां मशहूरो मरूफ दो हीरोइनां जिहड़ियां उस जमाने दियां टॉप क्लास हीरोइनां सी, बाबरा शरीफ ते अदाकारा रानी, दोनों नाल काम करन तो जवाब दे के थरथली मचा दित्ती। जवाब तां दित्ता क्योंकि इन्हां दी अपना तलाक हो गई सी, बाबरा दी ते शाहिद दी, तां जवाब दे दित्ता कि अगों इहदे नाल काम नहीं करना, इख्तलाफात पै गए। दूसरे नंबर ते रानी नाल सब तों बहुतियां फिल्मां सी, लेकिन उहदे नाल काम करन तों तां इनकार कर दिता कि उहनां तलाक लै रहे सी हदायतकार हसन तारिक तों, जिहड़े कि शाहिद दे मोहसन डायरैक्टर सन, ते उहनां ने अपनी फिल्मां च बड़ा काम दिता शाहिद नूं। फिर बेलियो 1976 दा साल आ गया, ते इस तीजे साल भी शाहिद दियां डेढ़ दर्जन फिल्मां रिलीज़ होईयां। इसे साल ही अदाकार शाहिद दी दूसरी डायमंड जूबली फिल्म जिहड़ी है रिलीज़ होई, जिहदा नाम शबाना, जिहदे विच बाबरा शरीफ साहिबा ने काम कीता ते नाल वहीद मुराद साहब ने। इह उही शबाना फिल्म है कि जिहड़ी पहली वहीद मुराद साहब दी डायमंड जूबली फिल्म है। एज ए सोलो हीरो कोई भी फिल्म वहीद मुराद दी डायमंड जूबली ना कमा सकी। फिर इसे साल ही फिल्म जी सरैया भोपाली विच शाहिद दे मुकाबले विच हीरोइन रानी बेगम, ते क्योंकि पहले फिल्मां स्टार्ट होईयां सी मुकम्मल ते करवाणियां सी ना, बाद च उन्होंने जवाब दे दिता कि ना जिहड़ियां अगों नवीआं फिल्मां बणगियां उन्हां विच मैं इन्हां अदाकारां नाल काम नहीं करांगा। इस फिल्म विच सरैया भोपाली विच फस्ट हीरो शाहिद, उन्हां दे नाल सानवी किरदार विच वहीद मुराद साहब जिहड़ा कि चॉकलेटी हीरो सन। फिर फिल्म देखा जाएगा, फिर जी जरूरत, फिर फिल्म वारदात, ये 76 दियां शाहिद दियां बेहतरीन फिल्मां। इसे साल ही शाहिद नूं एक होर एजाज मिलिया जिहड़ा कि पहले किसी नूं नहीं सी, है कि भट्टी बरादरान दी फिल्म जिंदाबाद विच भी उन्होंने काम किया। इस तरह रला मरला के उन्होंने जनाब सब उर्दू हीरोज ते सब पंजाबी हीरोज दे नाल उन्होंने काम किया। ये भी एजाज सिर्फ शाहिद दे कोल है। ये भी याद रहे तुहानूं कि अदाकार मुहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब ते नदीम साहब, इन्होंने किसी एक फिल्म विच भी अनायसन भट्टी साहब नाल काम नहीं किया, लेकिन शाहिद साहब ने किया। जबकि नदीम साहब ने सुधीर की किसी फिल्म च काम नहीं किया, तो ना इकबाल हसन की किसी फिल्म च इन्हों वेख्या गया। जबकि शाहिद ने तो सोनियो 60 दहाई के मकबूल हीरो हबीब नाल भी काम किया 1975 की हिवान फिल्म विच, ते अदाकार कमाल नाल भी काम किया उस बंदे ने 1979 की फिल्म फटाफट विच। फिर शाहिद ने 70 की दहाई के मकबूल हीरोज सुल्तान राय, गुलाम अयुद्दीन, फिर बदर मनीर, आसफ खान, इन्हां नाल भी इस बंदे ने काम किया, कोई हीरो छड्डिया नहीं कि जिहदे नाल इन्हां ने काम ना किया होए। तो फिर सोनियो 77 दा साल आ गया, तो फिर इन्हां दियां डेढ़ दर्जन फिल्मां रिलीज़ होईयां, जिहदे विच इन्हां दी तीसरी डायमंड जूबली समझो ते नाल आखिरी डायमंड जूबली फिल्म भी रिलीज़ हुई, जिहदा नाम सी उफ़ ये बीवियां। फिर इसे साल की फिल्म आशी ते शम्मा मुहब्बत कमाल फिल्मां शायद दियां। फिर बड़ी मज़ेदार गल सुनने वाली जी,
कि एक इन्होंने इसे साल एक फिल्म लगी जी जिद इन्होंने कलीकार का रोल किया जो कि भांडे कली छली करते हैं। फिल्म का नाम ससुराल जी कि एक कॉमेडी फिल्म जिद बड़ा मशहूर मरूफ एक गाँव सुनया होना पांडे कली करा लो वो एक तुम्हें पता मजाइया भी चलता रहा वो इन्होंने फिल्म आया गया पांडे कली करा लो पुराने नवे बना लो। फिर सुनियो 1978 का साल आ गया कि 12 फिल्मों तो ज्यादा फिल्म जड़िया ने इन्हों रिलीज हुई जिदे समझो कि इन 8 सालों के इस बंदे ने रिकॉर्ड बनाया कि 100 फिल्म जड़िया ने अपन मुकम्मल की सेंचुरी मुकम्मल की ये भी एक रिकॉर्ड इस बंदे का ये रिकॉर्ड अज तक कोई बंदा तोड़ नहीं सकया 2023 तकर कि पहले अपने 8 सालों के इन्नी स्पीड में बंदा 100 फिल्म जड़िया ने मुकम्मल करवाए। तो सोनियो मज़ेदार गल है कि इसे साल की फिल्म अभी तो मैं जवान हूँ जिदे शाह की जोड़ी बनी शबनम के नाल सबीहा खानम नैयर सुल्ताना ते मीना दाऊद इन्होंने नाल भी टाइटल सोंग इस बंदे ने काम किया। फिर अगली फिल्म आबशार 78 की जिदे मशहूरे जमाना गीत इन्हों पिक्चराइज शायद किया गया बहुत खूबसूरत है मेरा सनम खुदा ऐसे मुखड़े बनाता है कम बहुत खूबसूरत है मेरा सनम। तुहानू पता है कि इंडिया की वो फिल्म नहीं साजन वो संजय दत्त ते मधुरी दीक्षित ते नाल सलमान खान उहदे विच वी इन इसे गाने नू कॉपी करदे आ मेहदी हसन दी इसे गजल नू कॉपी करदे आ उन्होंने भी गाना बनाया बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम बहुत खूबसूरत है मेरा सनम। फिर बेलियो 78 दी फिल्म शीशे का घर उहदी मजेदार गल है इस फिल्म दी ये वे कि इस फिल्म विच शाहिद हीरो ते पहली बारी वहीद मुराद ने उन्होंने मुकाबले में विलन का रोल किया। फिर 78 की फिल्म खूबसूरत में पहली बारी शाहिद ने इको फिल्म में चार रोल निभाए जिवें तुहानू पता इंडिया की फिल्मों में गोविंदा करता। फिर बेलियो 1979 का साल आया तो शाहिद ने फिर 1.5 दर्जन फिल्मां कीतियां ते एक गाना इन्हें बहुत खूबसूरत पिक्चराइज होया जिहड़ा अज भी सुनिया जाता है तो उस जमाने का तो सुपर डुपर हिट गीत रहा मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से वो दिन आखरी हो मेरी जिंदगी का ऐ शाह साहब की फिल्म आया गया सी। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल। फिर इसे साल की फिल्म जी मिस्टर रांझा विच शाह साहब ने एक मॉडर्न रांझे का किरदार निभाया। फिर बेलियो सन 80 की दहाई स्टार्ट हो गई 80 का साल आ गया तो पहले अपने 9 सालों के शाहिद ने जी कोई 125 फिल्मों में काम किया लेकिन इस साल जो 80 का आया ना तो कुछ अहमियत जी शाहिद साहब हो चुके सन लेकिन अजे भी काम इन्हों बहुत ज़्यादा मिल रहा है। फिर बेलियो सन 81 का साल आया तो शाहिद साहब के जेडे वो समझ लो कि फैन हदायतकार वो सन हसन तारिक जिन्होंने 1962 की फिल्म शहीद उहदा रीमेक बनाया तो फिल्म का नाम रख्या वतन ते हीरो का किरदार शाहिद साहब ने किया ते अपने जमाने के लैजेंडरी फनकार मुहम्मद अली ते नदीम जेडे ने सानवी किरदारा में तो ये फिल्म वतन जी 1962 की शहीद के परछावें भी अपन ना सकी। फिर 1982 की फिल्म मिर्जा जट में इन्हों यूसुफ खान की जगह टाइटल रोल मिले जिदे यूसुफ खान साहब ने एहतजाज करद हो अपनी अलहदा फिल्म जी बना ली मिर् जट मिर्जा के नाँ पर दोवे फिल्म जो लगियां तो 1967 की जी एजाज साहब की सी मिर्जा जट वो हवा में भी ना पढ़ सकिया। फिर बेलियो एक वक्त ऐसा आया कि जदों अदाकारा शबनम ते जिहड़ी ना वो उर्दू फिल्मों वाली जवानी जिहड़ी उहनूं खत्म हो गई। फिर इहो ही बीबी जिहड़ी कि पहले पंजाबी फिल्मों तों नफरत करदी सी कहिंदी मैं कम नहीं करना फिर जदों उर्दू ने जिहड़ा ना वो समझो साथ छड्ड दिता तो फिर पंजाबी वाले पासे आ गए पंजाबी जबान ने फिर इज्जत दित्ती ते फिल्मां कीतियां इन्हां ने
1987 की फिल्म इन्होंने की मालका ते फिल्म बाजी जिदे विच सुल्तान राई ते यूसुफ खान ने रोल किए। इन दोनों पंजाबी फिल्मों में शाहद ने जी मावन अदाकार दे तौर पर बेहतरीन रोल किए। इस तरह ही फिर अदाकार शाहद जी 80 की दहाई जो एंड अद तो गांह लंघी है ना समझो अपनी अहमियत जी है ना एज ए हीरो सोलो हीरो बिल्कुल खो चुके सन। फिर 90 की दहाई का स्टार्ट होया तो चंद गिनती दी फिल्मां इन्हां नूं मिलियां। तो फिर फिल्मों में छोटे मोटे रोल करते रहे जिमें कि तकरीबन अपना 2019 की एक फिल्म है शरीके की अग वो उन्होंने कोई एक समझो कि थोड़ा जहा वड्डा रोल किया नहीं तो बस छोटे मोटे कुछ सीन के रोल करके लेकिन कम अज भी करी जा रहे हैं। ये नहीं रिटायर नहीं हुए कम मिलता तो करते हैं लेकिन हुण तुहानूं पता कि वडेरे हो गए ने बुढ़े हो गए हैं तो फिर तुहानूं पता वह गल्लां ते नहीं रहिंदियां जवानी वालियां बुढ़ापे विच वह गल्लां ते नहीं रहिंदियां लेकिन अजे भी माशाला तंदुरुस्त ने अपना तवाना ने बिल्कुल हाँ जी। तो अल्लाह इन्हों सलामत रखे तो जिंदे वसते रहन। बल्कि पिछले दिनों तारों से करें बातें फिजा अली के प्रोग्राम वो फिजा अली ते भी जिन्हें डोरे सुट रहे सन हाँ जी वह तो खदा कराए कि नसीम विकी बेच आ गया तो फिजा अली उन्होंने इश्क तो बच गई लेकिन समझो कि कम पैन वाले से। दियो इजाजत बहुत प्यारा अदाकार यकीन करो अल्लाह नूं सलामत रखे। दियो इजाजत किसी होर जानकारी के नाल तुहाडी सेवा चाहुंदे आ। उम्मीद करांगे तुहानूं वीडियो पसंद आई है। अल्लाह बेली।